शिव जी और पार्वती जी के दो पुत्र थे, एक कार्तिक और दूसरे गणेश। दोनों ही अपने गुणों में निपुण और एक से बढ़कर एक थे। एक दिन दोनों भाइयों में इस बात की बहस हो गई कि बड़ा कौन है, मैं बड़ा हूँ कि तुम बड़े हो। वैसे देखा जाए तो कार्तिक गणेश से उम्र में बड़े थे और बड़े भाई थे, और गणेश छोटे भाई। अपनी बुद्धि और पराक्रम से दोनों एक दूसरे के तर्क और ताकत को काटते जा रहे थे। फिर देवताओं ने यह देखा तो उन्हें लगा कि इस झगड़े का तो कोई अंत ही नहीं। फिर उन्होंने दोनों भाइयों से अनुरोध किया कि वह अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती जी के पास जाएं, वही इस समस्या का समाधान कर सकेंगे। देवताओं का यह सुझाव मानकर कार्तिक और गणेश जी अपने माता पिता के पास चल दिए। जब शिव जी और पार्वती जी ने इस दुविधा को सुना कि कार्तिक और गणेश जी में कौन बड़ा है, तो पहले मुस्कुराए, फिर दोनों भाइयों के बीच में एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा कि जो इस ब्रह्मांड के तीन चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा, वही दोनों में बड़ा होगा। फिर दोनों भाइयों ने इस शर्त को मान लिया और निकल पड़े चक्कर लगाने। कार्तिक अपनी सवारी मोर पर विराजमान हुए और तेज गति से उड़ चले। रास्ते में उन्होंने पवित्र स्थानों को नमस्कार किया और प्रार्थना अर्पण भी किए। उधर गणेश जी भी अपनी सवारी चूहे पर सवार होकर चल दिए ब्रह्मांड भ्रमण के लिए। पर कहां मोर की उड़ान और कहां चूहे की चाल। गणेश जी को लगा कि वह कितने भी तत्पर कोशिश कर ले, पर वे कार्तिक को परास्त नहीं कर पाएंगे। तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने माता पार्वती और महादेव शिव का बहुत मन से ध्यान किया और उनके ही तीन चक्कर लगा लिए। जब माता पिता ने इसका अर्थ पूछा तो उन्होंने कहा कि सारा ब्रह्मांड तो महादेव शिव और माता पार्वती में ही समाया हुआ है, अतः अगर सच्चे मन से ध्यान करके उनका ही चक्कर लगा लिया जाए तो वह पूरे ब्रह्मांड के चक्कर के बराबर है। जब कार्तिक जी लौटे तो गणेश जी को वहाँ पहले पाकर आश्चर्यचकित रह गए। परंतु जब उन्होंने गणेश जी का तर्क सुना तो उन्होंने भी अपनी हार मान ली और उन्हें शत शत नमन किया। गणेश जी के विषय में ऐसी बहुत सारी रोचक कहानियाँ भारतीय पुराणों में भरी पड़ी हैं। हम और नई कहानियाँ समय के साथ सुनाते रहेंगे, अतः आपसे नम्र निवेदन है, अनुरोध है कि इस तरह की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, इस तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।